प्रदेश के हापुड़ में एक बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को मंगलवार शाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मंगलवार दोपहर को बच्चा बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी यह अंदर जा गिरा था। समाचार एजेंसी ANI ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बच्चा स्ट्रेचर पर लेटे हुए दिख रहा है। बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है। बचाव दल की एक टीम उसे ले जा रही है। वहां पर मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से स्ट्रेचर पर लेटे हुए बच्चे का वीडियो बना रहे हैं। बच्चे को निकालने जाने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि बचाव अभियान लगभग 4 घंटे तक चला। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें ने नेतृत्व में बचाव अभियान चलाया गया है। सूचना मिलते ही NDRF की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन और भोजन भेजा गया था। वहीं दूसरी और पिछले महीने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव में इसी बोरवेल में करीब 40 फीट की गहराई में 8 साल का बच्चा गिर गया था। बच्चे को कई दिनों से रेस्क्यू करने के बाद उसकी मौत हो गई थी। 8 साल के बच्चे का नाम तन्मय साहू था, जो खेत में खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। वह हाल ही में खोदे गए बोरवेल में कई दिनों तक उसमें फंसा हुआ था। बच्चे का निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया था। CM ने 4 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा की थी। CM ने कहा, ट्वीट करते हुए कहा था कि दुख की बात है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया था। CM ने 4 लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की थी। CM ने कहा, ट्वीट करते हुए कहा था कि दुख की बात है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे नन्हे तन्मय को प्रशासन के अधिक प्रयास के बाद भी नहीं बचाया जा सका। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को संबल प्रदान करे। भगवान परिवार के सदस्यों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। आराम से लेकर मत जाओ, इधर साइड 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 हो जाओ, साइड 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 साइड